अब भाई लोगों, खबर कुछ ऐसी है कि अक्टूबर का जो महीना आने वाला है, मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि मेरे फेवरेट एक्टर डेयर जॉनसन यानी कि ब्लैक एडम, उनकी एक मूवी आ रही है। बट फाइनली एक खबर आई कि अक्टूबर के मंथ में आपको एक और मूवी देखने को मिलेगी बॉलीवुड की तरफ से, जिसको मैं देखने वाला हूँ, जिसका नाम है राम सेतु। और आपने मेरा टाइटल थंबनेल तो देख लिया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ कि राम सेतु जो मूवी आने वाली है, ये क्यों देखना इंपॉर्टेंट है हम सभी इंडियंस के लिए। तो ज्यादा देरी ना करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंट्रो के। सैटेलाइट पासेस ओवर द शैलो वाटर्स ऑफ द इंडियन ओशन। It sends back images of a chain of largely submerged objects running between Sri Lanka and India. तो सबसे पहले राम सेतु का जो प्लॉट है वो बहुत ही यूनिक है और देखने लायक है, और मैं तो कह रहा हूँ कि हर भारतीय और इंडियन को ये मूवी देखना जरूरी है, क्योंकि इसमें हमें वो चीज पता चलेगी जो कि शायद अब तक कभी किसी बॉलीवुड डायरेक्टर ने या किसी बॉलीवुड एक्टर ने कवर अप करने की कोशिश भी नहीं करी है। पर अक्षय कुमार जो कि इस मेन मूवी के मेन लीड एक्टर होने वाले हैं, उन्होंने इस मूवी का स्टोरी जैसी सुनी तो उन्होंने तुरंत ही डिसाइड कर लिया कि भाई इस पे तो काम करना ही है ही है। इस मूवी को बनाने में कम से कम 6 से 7 महीने लग गए, क्योंकि बीच में कोविड आ गया था, वरना इसको तो 2-3 महीने में ही खत्म कर देते हमारे अक्षय कुमार। बात तो सही है। कुछ ऐसी स्पीड है इनकी मूवी बनाने की। बट राम सेतु में उन्होंने अच्छा खासा टाइम दिया है और मुझे लगता है कि ये मूवी अच्छी होने वाली है। तो पहले सबसे बात करते हैं कि इसकी जो रिलीजिंग डेट है वो क्या है। तो फाइनलाइज हो चुका है कि ये 25 अक्टूबर को रिलीज होगी थिएटर्स में। इसका फर्स्ट ऑफिशियली पोस्टर रिलीज हो चुका है, कुछ प्रिंसिपल फोटोग्राफी भी हुई थी साल 2020 में, पर वो ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं थी। पर अभी हाल ही में जो पोस्टर रिलीज हुआ है, आप उस पोस्टर को ज़रा जूम करके देखिए भाई, क्या डिटेल निकल के आती है। तो सबसे पहले पीछे आप कुछ आर्किटेक्ट देख रहे होंगे, कुछ यानी इंडियाना जोन्स टाइप का फील आ रहा है देखकर कि भाई मूवी एडवेंचर होने वाली है। और उसी के साथ इंडिया और श्रीलंका का कनेक्शन दिखाया बहुत बड़ा, जो कि पोस्टर में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी खास बात कि इस मूवी के राइट्स अमेजोन प्राइम के पास है, तो थिएटर्स के बाद आपको ये मूवी नवंबर में या दिसंबर में आपको प्राइम वीडियो पे भी देखने को मिल जाएगी। चलो ये तो रही ओवरऑल रिलीजिंग डेट पोस्टर को लेकर बात, पर मूवी का मेन प्लॉट क्या होने वाला है, जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और इसी प्लॉट के चक्कर में मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस मूवी को देखें, और मैं तो देखने जाऊँगा ही। यानी कि अक्टूबर में दो मूवी तो देखनी है, एक तो ब्लैक एडम और एक दूसरी बॉलीवुड की राम सेतु। अब राम सेतु का जो प्लॉट होने वाला है वो होने वाला है एक मिथ के ऊपर। अब पूरे वर्ल्ड में एक काफ़ी टाइम से मिथ चल रहा है, जो लॉर्ड राम है उनका जो पुल है राम सेतु, जिसको द एडम ब्रिज भी कहा जाता है और हिंदी में कहा जाता है रामा ब्रिज। अब तीनों ही नाम बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं, तीनों नाम के बहुत अलग अलग मतलब भी हैं, बट हम इसको सिर्फ बोलेंगे राम सेतु पुल। और राम सेतु पुल का जो मिथ चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, इस मूवी के प्लॉट में यही दिखाया जाएगा हमें कि पूरे वर्ल्ड में एक प्लॉट है कि कोई राम भगवान थे इंडिया में, उन्होंने सीता को रेस्क्यू करने के लिए एक पुल बनाया, जिसमें मदद करी बानर सेना ने, और पत्थर पर राम लिख कर पुल बनाया। तो क्या ऐसा साइंटिफिकली पॉसिबल है? नहीं। पूरे वर्ल्ड में जवाब आता है नहीं। बट इस चीज को ठुकराते हुए और इस पर रिसर्च करते हुए आर्कियोलॉजिस्ट रिसर्च करते हैं, यानी कि हमारे मेन लीड एक्टर अक्षय कुमार। अब उनका नाम क्या है कैरेक्टर का वो अभी मुझे कंफर्म नहीं है। तो वो इस चीज पर रिसर्च करते हैं कि जब 7th सेंचुरी BCE और 3rd सेंचुरी CE में जब ये रामायण का एपिक इवेंट हो रहा था, जब ये वॉर चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, जब राम वनवास के लिए आए थे 7th सेंचुरी से 3rd सेंचुरी तक, तो क्या हुआ था। और जब वो कहानी रची जा रही थी कि रावण सीता जी को किडनैप करके ले गया लंका में, जटायु का पर कैसे कटा, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको सच साबित करने के लिए हमारे अक्षय कुमार इस पर रिसर्च करेंगे, और वो ऐसे ऐसे क्लू हमें दिखाएंगे जो कि शायद अब तक हमने किसी मूवी में नहीं देखे होंगे। और हमें मूवी के एंडिंग में पता चलेगा रामायण से रिलेटेड कुछ ऐसे ऐसे अध्याय, ऐसे ऐसे प्रूफ, ऐसे ऐसे इवेंट जो कि नासा ने खुद कंफर्म करे हैं, और साइंटिफिक ये कंफर्म हो चुका है जो राम सेतु पुल था वो सच था। ये जर्नी हमें इंडिया से लेके श्रीलंका तक देखने को मिलेगी। तो लिटरली अगर कुछ इस टाइप की स्टोरी होने वाली है, जिसमें कि अक्षय कुमार इंडियाना जोन्स स्टाइल में रिसर्च करेंगे, लॉर्ड राम के राम सेतु पुल के सारे राज खोलेंगे, सारे प्रूफ देंगे, एविडेंस देंगे, तो भाई मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अक्टूबर में 25 तारीख को। तो आपका क्या मानना है, क्या आप इस मूवी को देखने जाएंगे या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और उसी के साथ अगर आपको ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 का प्लॉट जानना है तो आपको राइट साइड में एक वीडियो मिल जाएगा, अब जाके वो चेकआउट कर सकते हैं।